पेशावर से आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पेशावर के इलाके पतंग चौक पर बम की मौजूदगी, बीडीओ ने बम को नाकारा बना दिया है। बम देसी साख्ता था, पुलिस का ऐसा बताना है। आपको आगाह कर रहे हैं पेशावर से, जहां पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि बम की मौजूदगी कर फौरी तौर पर बीडीओ को तलब किया गया और इस बम को नाकारा बना दिया गया है। बम देसी साख्ता था, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। पेशावर का इलाका है पतंग चौक, जहां पर बम की मौजूदगी की तरह पर फौरी तौर पर पुलिस पहुंची, कार्रवाई की गई और बीडीओ को भी तलब किया गया। बीडीओ ने बम को नाकारा बना दिया है और ये बम देसी साख्ता है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको पेशावर से आगाह कर रहे हैं। पेशावर में दहशतगर्दी की कोशिश को नाकाम बनाया गया और पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है। पेशावर का इलाका बताया जा रहा है पतंग चौक, जहां पर बम की मौजूदगी की इत्तला पर फौरी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई की है और बीडीओ को भी तलब किया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने फौरी तौर पर इस बम को नाकारा बना दिया है, पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। पुलिस ज़राए का ये भी बताना है कि बम देसी साख्ता था। मजीद भी तफसीलात इसकी सामने आ रही हैं। अभी जो सामने आई है उसके मुताबिक पेशावर का इलाका है पतंग चौक, जहां पर बम की मौजूदगी पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को तलब किया गया है और बीडीओ ने फौरी तौर पर इस बम को नाकारा बना दिया है। मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर मौजूद हैं और इस बम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये बम देसी साख्ता था। दहशतगर्दी की एक कोशिश को नाकाम बनाया गया है पेशावर में। मोहम्मद नौमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। नौमान बताइएगा। ये बिल्कुल, ये रिंग रोड का इलाका है पतंग चौक के करीब और इतला ये मिली है पुलिस की जानिब से कि ये एक निजी कार पार्किंग थी, जहां पर ये देसी साख्ता बम रखा गया था। किसी तखरीबकारी की कोशिश की जा रही थी, तहम बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 से 2.5 किलोग्राम देसी साख्ता बम को नाकारा बना दिया और इस वाक्य में जो मुमकिना तौर पर नुकसान का खतरा था वो भी अब टल चुका है। ठीक है नौमान, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।